नमस्कार, मैं अनिश शर्मा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम एक बेहद प्राचीन मंदिर आए हैं। इस मंदिर के दीवार पर बहुत ही खूबसूरत कलाकृति की गई है। कहा जाता है कि जिस कारीगर ने इस मंदिर को बनाया था उसके हाथों को काट दिया गया था ताकि ऐसा मंदिर दोबारा कहीं और न बनाया जा सके। यहाँ मंदिर के पास ही कटे हुए हाथ को एक पत्थर पर बनाया गया है और कुछ लिखा भी गया है। यह मंदिर महाराजा काशी नरेश द्वारा तकरीबन 300 साल पहले बनाया गया था। मंदिर साल में सिर्फ दो बार ही खुलता है और दोनों बार यहाँ के पुजारी और काशी नरेश ही मंदिर के गर्भगृह में जाकर पूजा पाठ करते हैं। बाकी लोगों के लिए मंदिर के गर्भगृह में जाना सख्त मना है। आम लोगों को मंदिर के बाहर ही देखने की अनुमति मिलती है। यह मंदिर वाराणसी जिले के रामनगर में स्थित है, जो रामनगर किले से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो वर्तमान में शाही परिवार के नियंत्रण में है। यह मंदिर हिंदू देवी दुर्गा को समर्पित है। मंदिर सामने एक विशाल चौकोर पुष्करणी तालाब है। तालाब सभी पक्षों में मंदिर की सीढ़ियों के साथ और प्रत्येक कोनों पर 4 खड़ी स्तंभ है। यह भी माना जाता है कि मंदिर मूल रूप से भगवान विष्णु को समर्पित था, लेकिन मंदिर परिसर में कुछ असामान्य गतिविधियों के कारण राजा के दरबार के ब्राह्मणों ने मंदिर को देवता दुर्गा में बदलने का सुझाव दिया। अगर आप इस मंदिर में कभी आए हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें। आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।